So today we are going to see that is pair of animals. Okay, today we are going to see pair of animals. Pairs of animals. Okay, so उसमें पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एनिमल. कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एनिमल दैट मीन्स इफ यू आर गिवन टू एंगल्स, मतलब हमें आपको दो एंगल दिया है. सपोज ये दो एंगल दिए, ये एक एंगल है, इसका नाम रखेंगे हम ए बी और ये सी. और हमें दूसरा एंगल दिया है, सेकंड एंगल दैट इज योर वेव एंड नेम एज पी क्यू आर. ओके, वी हैव गिवन टू एंगल. इज सपोज दिस इज एंगल 60, ओके, एंड दिस इज एंगल 60 एंड दिस एंगल इज 20. ओके, अगर ये एंगल 60 डिग्री दिया है, मतलब हमने अगर प्रोटेक्टर आज वी नो दैट हाउ टू यूज प्रोटेक्टर. ओके, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखते हो, अगर ये एंगल 60 होता है और ये एंगल 30 होता है, तो इन दोनों की बेरीज, मतलब इन दोनों का सम करने के बाद, इन दोनों के सम अगर 90 डिग्री आता है, वाह 90 डिग्री दोनों को मिला दे, ये तैयार है 90 डिग्री एंगल, देन सच टाइप्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. व्हाट वी कॉल दैट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, Now we are going to see supplementary angle. Supplementary angle. Supplementary angle. If I am making this angle and this angle is your suppose 120 degree. ओके, 120 डिग्री होगा, इसको नाम दे ए बी एंड सी. सपोज ए बी सी हमने नाम दिया और एक दूसरा एंगल बनाया, ये वाला एंगल, ये इसमें हमने नाम, इसको हमने नाम दिया एक्स वाई जेड. ओके, एंड दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्री. ये कौन सा हमारे पास दो एंगल दिए हैं, 120 डिग्री एंड दूसरे का वन 60 डिग्री. And if the addition of two angles, if addition of these two angles is 120 plus 160 is equal to 180, agar in dono angle ki sum agar 180 hoti hai, to aise angle ko what we call as supplementary angle. Aise angle ko kya kehte hain hum? Supplementary angle kehte hain. Okay, so ध्यान रखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल के सम अगर 90 डिग्री आती है तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड द अदर व्हिच आर मेकिंग दिस दिस इफ वी ऐड एंड इफ दे आर मेकिंग द 180 डिग्री आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, सो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, सपोज ये समझ में आता है, सपोज वन एग्जांपल ओके कॉम्प्लीमेंट्री का. अगर उन्होंने बोला कि सपोज वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज सपोज 44 डिग्री. देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसने का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसने का एक वन कॉम्प्लीमेंट है 44 डिग्री, मतलब वन कॉम्प्लीमेंट है 44 डिग्री, तो दूसरा निकाल दे. हमें पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों की सम कितनी आती है 90 डिग्री, दोनों की सम मतलब 90 आती है. तो फिर एक दिया है तो दूसरा निकालना क्या करेंगे, यस वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट, दैट इज 90 माइनस 44. सो व्हाट इज आंसर, यहाँ आया 6 और यहाँ पे आया 46, तो 46 डिग्री. अंडरस्टूड? सो आंसर इज 46 डिग्री. एट में से 4 गया 6 और 8 में से 4 गया 4, सो 46 डिग्री. ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ इसका, कॉम्प्लीमेंट में दूसरा एंगल होगा, मतलब 90 से माइनस माइनस करना. नेक्स्ट, अगर सपोज सप्लीमेंट्री एंगल दिया, इफ वी हैव गिवन वन सप्लीमेंट वन सप्लीमेंट दिया है, सपोज 115 एक सप्लीमेंट दिया है और हमें बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल से तो दूसरा वाला निकाल,
आती है 180 तो क्या करना 180 माइनस 115 एज वी नो है। चलो माइनस 115 है 58 उसके बाद 7 बन गया 6 और 35 बन गया 0 तो आंसर है 65 डिग्री। तो क्या आया 65 डिग्री। तो मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि हम बी और वन एक्स एंड वी हैव टू फाइंडिंग द अदर तो हमें पता है दोनों की एडिशन प्लस होती है तो दूसरा निकालने के लिए हम बड़ी से माइनस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में दोनों की एडिशन 90 होती है। इफ वी आर गिवन वन एंड टू सो वी हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम 90 एंड वी गॉट द सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ओके so in this way we are going to now see the exercise 13 problem. So 13.3 चलो देखते हैं उसमें जो पहला दिया यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर ड्रॉ द लाइन। यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर के हिसाब से हमको ये निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर। पहले दिया हमने 75 डिग्री निकाला। तो ऐसे निकालेंगे पहले स्केल रखते हैं हम। ओके स्केल रखिए या आगे एक ऐसी लाइन बनाइए स्ट्रेट लाइन। ओके और इस पॉइंट पर हाँ इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है 75 डिग्री। तो फिर इस पॉइंट पे हमें 75 पता है 75 कैसे होता 90 से छोटा होता है मतलब दैट इज एक्यूट एंगल होता है। तो क्या करेंगे 75 तो यहाँ से देखेंगे यहाँ देखिए 10 20 30 एक मिनट यहाँ पर दिखाई मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके सो यहाँ पे है 10 20 30। ओके हाँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 20 30 40 50 60 तो यहाँ पे आया 75। तो देखो यहाँ पे ये बड़ी वाली लाइन है ना ये है 75 तो यहाँ पे मार्क आएगा वो यहाँ से गिनने के बाद 75 इधर भी है पर हमें इधर का चाहिए क्यों क्योंकि हमें एक्यूट एंगल बनाना है एक्यूट एंगल। ओके तो यहाँ से आएगा ये वाला 75 60 ये आएगा 70 और ये आएगा 75 70 71 72 73 और ये आएगा बड़ी वाली 75 तो हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे 75 यहाँ पर मार ये लाइन ऐसे ऐसे लिखेंगे कि 75 इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड इसको ऑर्डर दे। ओके अब नेक्स्ट सेकंड एंगल है सपोज 137 बी 137 तो वही पहले रूलर हुए थे। ओके तो उसमें से कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन बना सकते हैं आप कितनी भी सेंटीमीटर की लाइन बनाइए इस पॉइंट पे रखिए। अब 137 एम एम ऑप्टिस हो गया ऑप्टिस होगा तो यहाँ इधर होगा क्या नहीं ये छोटा हो जाएगा ना मैं बड़ा से 137 एम 90 से बड़ा तो फिर हमें देखिए इस साइड से तो इस हिसाब से देखिए 90। ओके फिर से देखिए देखिए यहाँ पे आया 90। ओके 90 के बाद फिर 100 देखो 100 101 120 वही 30 आ गया। यहाँ पे बीच में 135 और यहाँ पे दो के बाद 137 सो हम देखेंगे अब 137 सो देखो 137 137 कैसे आया और रखिए 137 मार कीजिए और फिर यहाँ से सीधा है सो दिस इज 137 डिग्री एंड दिस इज एक्स वाई जेड। ओके सो इन दिस वे वी हैव टू डू। ओके सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री ये चेकअप करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ओके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के लिए चेक करना है। पहला क्वेश्चन हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री सम अगर 90 कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 अगर आता है प्लस उसके करने के बाद तो देखिए पहला क्वेश्चन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री तो देखते हैं 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है 180 डिग्री सो दिस देयरफॉर दिस
सो दिस पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री है क्या नहीं, क्योंकि दोनों दिशा में भी वही और नाइन्टी से है और ये वन नाइन्टी दोनों बने दिया है, इससे सप्लीमेंट है, सो दिस इज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे। इसी बेसिस पे और एक और एक देखेंगे, सपोज जो डी प्रॉब्लम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड 0, चलो देखते हैं 90 डिग्री प्लस 0 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज दिस पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, दिस पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दिस आर पेयर्स ऑफ एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री देयर सम इज 90 डिग्री। सो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, अब उनका सप्लीमेंट्री है जी, सप्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री इफ द पेयर्स ऑफ एंगल मेकिंग एंगल 180 डिग्री, सो दैट इज आर सप्लीमेंट्री। सो फिर से वही देखेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर आप भी देख रहे हैं थर्ड का है क्वेश्चन नंबर, आप हमारा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें वन टू डिग्री एंड सिक्सटी एट डिग्री प्लस 1 डिग्री प्लस 68 डिग्री कितना था 8 8 7 प्लस 1 8 एम बी एस 180 डिग्री। सो दिस पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, व्हाट हमने देखा था राइट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग नाइन्टी डिग्री सो आंसर इज 0 डिग्री, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 0 डिग्री, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट उसी का अगर 47 देता हूँ डी प्रॉब्लम, फोर्टी सेवन डिग्री ओके, सो इन 47 डिग्री हमें दिया है कॉम्प्लीमेंट 47 डिग्री, सो व्हाट वी हैव टू डू 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, सो माइनस कर दिया क्या होता है 10 में से 1 गया 3 या 8 में से 4 गया 2, आंसर इज 43 ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। एंड नेक्स्ट 5th राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सप्लीमेंट है हम देखा था व्हाट इज सप्लीमेंट, इफ द सम ऑफ द एंगल्स आर 180 डिग्री, मतलब अगर 180 डिग्री आता है दैट्स मीन्स प्रॉब्लम 137 दिया क्या मतलब सब यहाँ पे देखेंगे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट 137 डिग्री, सो व्हाट यू टू 180 माइनस 137, वाई क्या है 180 इक्वल दिया दिया गया सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या है दोनों का बेरिज 13.3, सो यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट, सो आपने समझ
सॉल्व करना है। इफ यू हैविंग प्रॉब्लम जस्ट रिवाइज द वीडियो और हैड इट डाउन, सो जस्ट आस्क मी एंड आल्सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड वी लेटेस्ट रिवाइज फॉर टू टाइम्स ऑफ थ्री टाइम्स, ओके, वी विल फाइंड आउट। सो वी विल मीट द नेक्स्ट एक्सरसाइज।